फाल्गुनी, कब तक हमारी खुशी के लिए सब तक सहती रहोगी? कब तक? विधान रावत को होश आ गया है, उन्होंने अभी अभी आंखें खोली है। डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, आप लोग मिल सकते हैं। आपने मेरी भक्ति की लाज रखी लड्डू गोपाल। थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे पहले जब मुझे हर छोटी बड़ी चीज की खबर दे रहे थे, तो जब इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे किसी ने कुछ बताया क्या? डैड, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि शायद किसी को कुछ सूझा नहीं होगा। और गोविंद के लिए ये तो अच्छा हो कि गोविंद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें पुलिस पे दबाव डालना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर गोविंद के खिलौने पे जहर आया कैसे। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं। उतरा? इसे दुर्भाग्य कहिए या लापरवाही, दरअसल हमारे कमरे में जो खानदानी मेज है, कई दिनों से उसमें दीमक लगी थी। पेस्ट कंट्रोल करने से भी नहीं जा रही थी। किसी ने मुझे एक दवाई कही, मैंने पॉलिश वाले को बुला के वो लगवाई। लगता है दवाई काफी जहरीली थी। पॉलिश वाले का हाथ शायद खिलौने को लग गया होगा। और ये सब मुझे माफ कर दो विधान बेटा, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारी जान, बस खुशी इस बात की है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम सही सलामत हो। अब किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नौकरों से कह के सारा घर साफ करवाया है। और एक बात कहना चाहती थी, विधान के सही सलामत घर आने की खुशी में सोच रही हूँ छोटी सी पार्टी करूं। क्रिसमस भी आ रहा है तो क्यों ना हम एक क्रिसमस पार्टी करें। दुख आने पर दुख होता है, तो दुख चले जाने पर जश्न भी तो मनाना चाहिए। मैं सही सोच रही हूँ ना? हाँ उत्तरा, पार्टी होगी, जरूर होगी, और बहुत शानदार पार्टी होगी। मैं तैयारियां करती हूँ। एक अच्छी सी क्रिसमस पार्टी अरेंज करती हूँ, ताकि घर वालों के जहन से वो जहर वाला हादसा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। हेलो, खुशवा साहब, उत्तरा देवी रावत, कैसे हैं आप? तो हमें भूल ही गए। अरे आपको कैसे भूल सकते हैं उत्तरा जी, हुकुम कीजिए। वो आपको न्योता देने के लिए फोन किया था। हमारे घर पे एक छोटी सी क्रिसमस पार्टी है, आपको आना है। कब है पार्टी? आज शाम। आज ही शाम को? आज तो कुछ मीटिंग वगैरह। खुशवा साहब, आपको तो पता है कि मेरे पति जयंत रावत काफी सारे एनजीओस चलाते हैं। उनका एक एनजीओ अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। आज की पार्टी में अनाथ बच्चे भी आएंगे। आप आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, प्रेस वाले भी आ रहे हैं। जरा सोचिए, आपके इंटरव्यूज होंगे टीवी पे।
मैगजीन में न्यूज़पेपर में आपकी फोटो छपेंगे। क्या है ना, 2019 के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आपको काफी मदद होगी, अनाथ बच्चों के मसीहा बन जाएंगे आप। उत्तरा जी, राजी करवाना तो कोई आपसे ही सीखे, मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाकी तैयारियां। हेलो भाई, एक खबर मिली है, एकदम तगड़ी वाली। खुशवा आज रात को एक पार्टी में जा रहा है, रावत हवेली। फूलों की माला में एक फूल अपने नाम का भी होना चाहिए। जो लोग वादा करके पैसा नहीं देते, मैं उनसे जीने का मौका छीन लेता हूं। अभी सिर्फ तेरी तस्वीर के चीथड़े उड़े हैं, रात को तेरे चीथड़े उड़ेंगे कुशवा। अरे मिसेस जायसवाल, नमस्ते, कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। यूरोप घूमने गई थी, कल ही तो आई हूँ मैं। और बस, आपके यहाँ आज पार्टी? विधान, बेटा मिसेस जायसवाल को अपनी मामा से मिला दो। नमस्ते, आइए। अरे श्रवण जी, और कैसी रही आपकी यूरोप ट्रिप? अरे छोटे, एक मिनट। या शाह, टेढ़ा क्यों लगाया, सीधा तो लगा। ठीक है, वैसे भी इस पार्टी की शान तो गोविंद है ना भैया। तो गोविंद का डैडी भी तो है। हाँ, वैसे मास्टर किधर है? वो रेडी हो रहा होगा। आ गया। कुछ भी कहो, आज पार्टी में सबसे ज्यादा स्मार्ट गोविंद लग रहा है। गोविंद है ना? वो तो है, और तूने इसकी कैप भी उतार दी। इधर आ, ठीक से पकड़, ख्याल रखा कर उसका। हाँ, छोटा सैंटा क्लॉस, देखा देखा। जब से गोविंद आया है, भैया मुझे डांटने लगे हैं। शिकायत मत करो, अब जीजू ही ख्याल रखेंगे, तुम्हारा भी और गोविंद का भी। गोविंद में तो इनकी जान बसती, लगता है विधान के नंबर कुछ कम हो रहे हैं। क्यों? आप मेरे नंबर मत कम होने देना। इसको जितने नंबर मिलते हैं, उसमें मेरे जैसे 3 पास हो जाएंगे। ये क्या, स्टार्टर्स कहाँ है और ड्रिंक्स का क्या हुआ? कब आएंगे? जब सारे मेहमान प्यास से बेहाल हो जाएंगे तब। वो आगे में ड्रिंक्स भी लेके आओ, तुम आओ मेरे साथ। दीजिए। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। किस खुशी में? खुशी तो वजह है। एक मिनट, कंगन? कंगन नहीं, हथकड़ी। इसे पहना करना, मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। मेरी क्रिसमस। अच्छा, एक मिनट, अब ये क्या है? आपने मुझे हथकड़ी पहनाई तो मैं आपको फंदा पहना देती हूँ। थैंक यू। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। सुयश, क्या कर रहे हैं? सुयश, गोविंद देख रहा है, गोविंद देख रहा है। अरे अरे, मैं गोविंद की आंखें बंद कर देती हूँ, आप लगे रहिए।
चलो। वो सारे खिलौने कहाँ हैं जो बच्चों में बांटने? मैडम वो खिलौने वाला आ चुका है। रुको, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? यस मैम। ये सारे खिलौने बच्चों में बांटने हैं। पर वो तो मैम खास मेहमानों के लिए। मैं जो कह रही हूँ वही करो, खिलौने बच्चों में बांट दो, ठीक है? निशाना तैयार है, शिकार का इंतजार है, होशियार रहना। चलो बच्चों आ जाओ। मुझे ये चाहिए। हाँ तो दे दो उन्हें। बच्चे को दे दो। देख क्या रहे हो, बच्चे को दो। ठीक है, भाग गए। हटिए हटिए, मिनिस्टर साहब आ गए। हम आते हैं, चलो। अरे नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका। आइए खुशवा सर, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपके आने से हमारी पार्टी में रौनक आ गई। बेटा संभाल के, गिर जाते अभी तो। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, ये चल रहा नहीं है। फाल्गुनी, नियति, डैड बुला रहे हैं, उन्होंने खुशवा जी से मिलवाना है तुम दोनों को। आओ। आपका यहाँ रावत हवेली की क्रिसमस पार्टी में कैसे आना हुआ मंत्री जी? आप सब लोग जानते हैं कि गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करना मेरे जीवन का कितना बड़ा लक्ष्य है। दो, ना, दो।
खबरी से पता चला है कि मिनिस्टर साहब को मारने का प्लान है और इस पार्टी में बॉम्ब लाया गया है। ध्यान रहे, मीडिया है यहाँ पे, इसलिए किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ढूंढ निकालो उसको जो मिनिस्टर साहब को मारने आया। बच्चों चलो जल्दी से इधर आ जाओ, विधान अंकल आपको एक गेम खिलाएंगे। मैं क्या गेम? छोटे बच्चे बोर हो रहे हैं, फटाफट से गेम सोच जल्दी। तो आप म्यूजिकल चेयर्स खेल लेते हैं हम लोग। वेरी गुड, हरिया चेयर्स लेकर आना। लगता है मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कुछ शक हो गया है। हमारे गोविंद की पहली गेम है ना, तो हारने कैसे दे सकता हूँ? हाथी घोड़ा पालकी जीत लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जीत लड्डू गोपाल की। सॉरी बड़ी बहू, गलती हो गई। कोई बात नहीं, गोविंद को देखते रहना, मैं अभी आई। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अगली बारी तुम्हारी। किस बात की मैम? अरे जोकर बने हो, देखो तो सिर्फ 3 बच्चे खेल रहे, बाकी के लोग बोर हो रहे। जोकर बने हो तो उन्हें हंसाओ, जरा मस्ती करो, ठीक है? कहाँ गया? वहां उस बेबी के खिलौने में।